ये कुएं लगभग 800 साल पुराने हैं। यहाँ लोग दूर दराज से पानी लेने के लिए आते थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने पानी की कमी के चलते इन कुओं का निर्माण किया था। ये वो समय था जब लोग अपना जीवन बिताने के लिए पशुपालन का सहारा लेते थे। आज के समय में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं हो, लेकिन हम जिस समय की बात बता रहे हैं वो समय सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का दौर था। लोग 40-50 किलोमीटर पैदल दूर पानी के लिए आते और अपने ऊँटों पर पानी भरकर वापस घर जाते थे। इन्हें घर वापस जाने में काफ़ी समय लग जाता था, तो फिर लोगों ने इस जगह पर कुएं का निर्माण करने के बारे में सोचा और सफल हो गए। पहले एक कुआं बनाया, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने अपने अलग अलग कुएं बनाना शुरू कर दिए। इन कुओं से मीठा ही पानी निकलता है और इस पानी का स्वाद कुछ ऐसा है कि अगर आपने ये पानी टेस्ट कर लिया तो बिस्लरी का पानी भी फीका लगेगा आपको। और इस पानी की एक और खासियत ये है कि अगर आप इसे एक बोतल में भरकर एक महीने के लिए किसी जगह पर रख देते हो तो ये पानी वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। और अगर आप बिस्लरी की बोतल को रखते हो तो उस बोतल में कीटाणु लगना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे जाकर गांव भी नहर से जुड़ गए हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और धीरे धीरे लोग रोजगार में भी वृद्धि कर रहे हैं। अब हर गांव में लगभग पानी का फिल्टर लग गया है जो नहर से जुड़ा हुआ है, तथा अब लोगों की कुएं के पानी से धीरे धीरे दिलचस्पी कम हो रही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे अपने घर के पास ही पानी मिल जाए तो दूर जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज भी 100 में से 20% ऐसे लोग हैं जो नहर का पानी छोड़कर कुएं के पानी ही पीते।